स्टूडेंट्स, ये है एट क्लास की मैथमेटिक्स की बुक और मैं आज आपको चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर बी का वन करा रही हूँ। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि तजदी करें फैक्ट वाइज द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन दिया है ए स्क्वायर प्लस 10 ए प्लस 25। इसमें जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का वो स्क्वायर रूट बन रहा है, हमारे पास तीन टर्म्स है और यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट बन रहा है। देखिए ए को यहाँ पे जब एक हम दो मल्टीपल मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी और वन है, उसकी और वन, तो हमारे पास रहेगा ए स्क्वायर। तो और जो फाइव को दो मल्टीपल मल्टीप्लाई करा, फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव तो हमारे पास रहेगा 25। तो देखें 25 का आधा 5 होता है और ए स्क्वायर का आधा ए होता है। इसमें हमने ए को ए के बराबर ले लिया और बी को अपने 5 के बराबर ले लिया। यहाँ पे देखिए हमने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला है हमारे पास ए प्लस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें हमें ये करना है जहाँ जहाँ भी ए आ रहा है वहाँ पे हम लोग ए लिख देंगे, तो हमने ए को ए के बराबर लिया है और जहाँ जहाँ भी हमारे पास बी आएगा वहाँ वहाँ हम 5 लिख देंगे, हमने बी को 5 के बराबर लिया है। ए की जगह ए लिख दिया और बी की जगह हमने 5 लिख दिया और ये होल स्क्वायर हमने लगा दिया, लेकिन तो हमने होल स्क्वायर लगा दिया इक्वल कर इक्वल उतार दिया। एक ही जगह हमने ए लिख दिया और ये फॉर्मूले का होल स्क्वायर इधर लगा दिया और ये फॉर्मूले का प्लस हमने 2 उतार दिया, 2 उतार दिया। एक ही जगह हमने ए उतार दिया और बी की जगह हमने 5 उतार दिया, ये प्लस उतार दिया, प्लस उतार दिया, बी की जगह हमने 5 उतार दिया और ये होल स्क्वायर में यहाँ दोबारा लगा ए प्लस 5 का होल स्क्वायर हमने नीचे उतार दिया, ये इक्वल लगा देंगे। अब देखें और 2 × 2 तो ब्रैकेट खत्म हो गई और ये ए स्क्वायर हो गया और ये जो प्लस है प्लस उतर जाएगा। अभी जो 2a 5 है तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये देखें 2 × 5 = 10 हो गया और ये जो एक अंदर का क्वेश्चन है 1 है। अभी 10 पे मल्टीप्लाई हो 10 × 1 = 10 हो गया और ये अभी हो गया 10a प्लस 10a और ये प्लस 5 × 5 क्योंकि 5 का स्क्वायर है, 5 दो बार मल्टीप्लाई होगा, 5 × 5 = 25 25 होता है, ये 25 आ जाएगा। और ये ए के जो अंदर की पावर है, अंदर की एक्सपोनेंट 1 है और बाहर की एक्सपोनेंट 2 है, 2 × 2 हो गया तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी और ए स्क्वायर आ जाएगा। मैंने ए स्क्वायर लिख दिया और ये फॉर्मूले का प्लस प्लस उतार दिया हमने और ये जो देखें अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 × 5 = 10 होता है और ये 10 ये जो ए का इधर का कॉम्बिनेशन नहीं 1 है, 10 × 10 हो गया और ये 10 आ गया हमारे पास और ये प्लस कर गया। अब 5 को भी दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 = 25 होता है, 5 × 5 = 25 होता है, यहाँ पे 25 आ गया, यही हमारा आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी का 2 करा रही हूँ मैं, एस स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 36y स्क्वायर और सॉल्यूशन लिखेंगे। देखें इस बार इसमें भी एस इसमें भी फर्स्ट और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट बन जाए, फर्स्ट और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट बन जाए तो इसमें हम लोग ए को एक्स के बराबर ले लेंगे और बी को 6y के बराबर ले लेंगे। वो ऐसे देखें जब एक्स स्क्वायर है अगर हम एक्स स्क्वायर को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स की पावर 1 है, उसकी भी 1 है तो दो बार जमा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसको हम हाफ करेंगे तो ये एक्स आ रहेगा और इधर 36 से 6 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 तो यहाँ पर आएगा 36 हमारे पास और इसका जो वाई है जब हम वाई को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बार की और 1 है, इसकी भी 1 है तो हमारे पास वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर हम हाफ करेंगे तो इसकी आधी वाई हो जाएगी और उसकी 30। हमने ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट एक्स आ गया और ये सेकंड जो है हमारे पास 36 वाई स्क्वायर है, इसका जब 36 को आप हाफ करेंगे तो 6 हो जाएगा तो 6 से 36 होता है, इसलिए हमारा 6 आ गया। और ये जो वाई स्क्वायर है वाई को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा और वाई की दो जो स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई आ गया। अब हम फॉर्मूला लिख दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, अब ए प्लस बी का स्क्वायर सिक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। अब इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ भी ए आ रहा है वहाँ वहाँ हम एक्स लिख देंगे और इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ भी बी आ रहा है वहाँ वहाँ हम 6y लिख देंगे। एक्स लिख दिया प्लस की जगह प्लस और बी की जगह मैंने 6y को होल स्क्वायर लिखा दिया, होल स्क्वायर इस फॉर्मूले का इक्वल लगा दिया। यहाँ पे ए स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, एक ही जगह एक्स आ जाएगा प्लस प्लस 2 ए की जगह एक्स है, मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया, बी की जगह 6y है, मैंने यहाँ पे 6y लिख दिया प्लस प्लस और बी की जगह 6y लिख दिया मैंने और ये होल स्क्वायर बाहर लग गया ब्रैकेट में। मैंने यहाँ से लिया है ए को मैंने एक्स के बराबर लिया था और प्लस प्लस
बी को 6y के बराबर लिया और ये स्क्वायर लग गया इक्वल इक्वल, और मैंने ए को x के बराबर लिया था, x उतार दिया, स्क्वायर बाहर लग गया, प्लस प्लस 2 a को मैंने x के बराबर लिया, ये x ये रहा, और b को मैंने 6y के बराबर लिया 6y, प्लस प्लस और b को मैंने 6y के बराबर लिया 6y और ये स्क्वायर बाहर, होल स्क्वायर x प्लस 6y हो जाएगा 6 और ये देखिए 6 है, जब इसको 6 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 × 6 तो 36 आता है, हमने अभी 36 लिख दिया। और जो y है ये y के अंदर क्या जो y स्क्वायर इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट है 1 है और बाहर की 2 है, 2 × 2 हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी और फिर ये y स्क्वायर हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। सो गाइस मैम जब हमने 6 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 6 तो वो 36 हो जाएगा, 36 उतार दिया हमने, और जो y है y के अंदर की एक्सपेरिमेंट 1 और बाहर की 2 है, 2 × 2 हो जाएगा, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये मैंने y स्क्वायर उतार दिया और यही हमारा आंसर है। मैम वीडियो